नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण चेन्नई से आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। कुडालोर में तेज हवाएं और हिंसक समुद्री स्थिति देखी गई। आईएमडी के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंगर 30 नवंबर की शाम को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, दुर्भाग्य से पुलिस ने हमें रोका है, मैं इसकी निंदा करता हूं। जनता की आवाज कौन उठाएगा? अगर पुलिस प्रशासन जनता के खिलाफ खड़ा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उनकी मदद करे। हम घटना संभल की रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार पुलिस की करतूतों को छिपाने के लिए यह सब कर रही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे करीपुर पहुंचे। वायनाड के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं यहां वापस आकर बहुत खुश हूं, काम शुरू करने के लिए तैयार हूं और वायनाड के लोगों को बेहतर भविष्य देने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूं वह करने के लिए तैयार हूं। कहा, आज केरल के वायनाड में एक सार्वजनिक रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी द्वारा संरक्षित अपराधियों के कारण हुई। संभल के अपराधी सभी समाजवादी हैं। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए, हम वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखेंगे। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, आप गुंडों की पार्टी बन गई है। गुंडे आपके सबसे बड़े समर्थक हैं, वे खुलेआम वसूली करते हैं और आप विधायक के निर्देश पर आम आदमी को धमकाकर वसूली की जाती है। अरविंद केजरीवाल की सहमति से आप विधायक आम आदमी को धमकाकर वसूली का धंधा चला रहे हैं। आपके रंगदारी खोर विधायक नरेश बाल्यान की एक ऑडियो क्लिप में वह एक बिल्डर से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर से बात कर रहे हैं। जनता ने आपको शराब घोटाला और रंगदारी का धंधा करने के लिए नहीं चुना है। पीएम मोदी के इस बयान पर कि विपक्ष दल सूचना गलत फैलाते रहते हैं और देश के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, तो वे पिछले 11 सालों से क्या कर रहे थे? पिछले 11 सालों से वे कर रहे थे कि लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक भी ऐसा उदाहरण बताइए जहां उन्होंने कार्यवाही की हो। वे कहां साजिश रच रहे हैं और कैसे साजिश रच रहे हैं? ये लोग कहां से आते हैं और खुफिया विभाग क्या कर रहा है? आपने इन लोगों को सिर्फ मन की बात सुनने के लिए नियुक्त किया है या वे काम भी करते हैं? क्या यही पीएम की भाषा है? उनका भाषण भूगोल के अनुसार बदल जाता है। कांग्रेस नेता भाई जगताप द्वारा चुनाव आयोग को कुत्ता कहने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, संवैधानिक संस्था का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है। यह महज संयोग नहीं है, यह कांग्रेस की आदत बन गई है। अब उन्हें चुनाव आयोग पर शक हो रहा है। जब झारखंड, जम्मू कश्मीर, वायनाड, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव हुए तो चुनाव आयोग ठीक था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वर्ल्ड बैंक के साथ पॉल्यूशन को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग में हरियाणा सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने को लेकर क्लीन एयर प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3,650 करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध कराई है। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर XAW 2024 का 13वां संस्करण 30 नवंबर 2024 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भाग लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अधिक खबरों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।